नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद बिहार। और आज आजाद बिहार की टीम पहुंची हुई है और आई ब्लॉक के ये बहुत खूबसूरत सा एक विद्यालय है जो कि विद्यालय का अर्थ आप जानते हैं। और विद्यालय की स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं, ये किस प्रकार का विद्यालय है। और यहाँ पे विद्यालय में सिर्फ समस्या ही समस्या मिलेगा। विद्यालय में जहाँ विद्या की देवी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पितौछिया, ये इस विद्यालय का नाम है। और इस विद्यालय की दशा दुर्दशा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या स्थिति है इस विद्यालय की। अब मैं आपको विद्यालय के अंदर भवन का निरीक्षण पहले करवाऊं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि भवन की क्या स्थिति है। अरे ये देखिए, ये विद्यालय का जर्जर स्थिति, जर्जर हालत में है और ये खिड़की टूटी हुई और जगह जगह कचरे का प्रबंध किया गया है, कचरे लगे हुए हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान में विद्या के मंदिर की ये स्थिति है और जगह क्या क्या स्थिति होगी ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। खिड़की पे एक लात जोर से मार दिया जाए तो ये टूट जाएगा, ये स्थिति है। और इसमें देखिए क्या रखा हुआ है, कचरा ही कचरा। इसमें बर्तन भी है और इसकी भी स्थिति देख सकते हैं आप, जर्जर स्थिति में है। मैं एक चीज और आपको दिखाऊं, जिस विद्यालय में चापाकल की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ की स्थिति क्या होगी। मैं आपको चापाकल पहले चलता हूँ और चापाकल की स्थिति मैं आपको रहिए बैठे रहिए। ये देखिए इस विद्यालय की चापाकल है और मैं यहाँ पे पानी पीने आया हूँ, इसकी स्थिति देखिए। चापाकल तो है लेकिन जल नहीं है। ये है भारत में बिहार राज्य के स्कूल की स्थिति। इस वक्त आप पितौछिया स्कूल में है, एक बार मुस्कुराइए आप, क्योंकि स्कूल की स्थिति जो है हालात। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि विद्यालय में दो चीज़ आवश्यकता है, शौचालय का। तो मैं जरा शौचालय का भी निरीक्षण कर लूं कि क्या स्थिति है, क्योंकि अब जो स्थिति हर पंचायत में हर घर में शौचालय की स्थिति दी गई है, तो विद्या के मंदिर जहाँ पे 300-400 बच्चे 200 आते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये शौचालय की स्थिति है। ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति को आप देखें, ऐसे अवगत हो हमारी स्कूल की जो लड़की है, हमारी बहन बेटी कैसे जाएगी शौचालय करने के लिए, कहाँ जाएगी। ये स्थिति है मध्य विद्यालय उत्क्रमित पितौछिया की। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो फिर समाज का क्या विकास होगा। जहाँ विद्या की मंदिर है विद्यालय में स्थिति है, और जगह की क्या स्थिति होगी। शौचालय की स्थिति देखकर मेरी रूह कांप गई, तो आपकी क्या स्थिति हुई होगी। आप स्कूल में कहते हैं मैं खाना खिलाता हूँ, पढ़ाई की व्यवस्था लेप दिए हैं, और ये है इसकी स्थिति। ये देखिए कब गिरेगा कोई नहीं कह सकते, दिखाएंगे अंदर की स्थिति। कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। यही शौचालय की व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से और यहाँ के जो स्थानीय जो भी पदाधिकारी है जो भी है और शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विद्यालय में जो मैडम लोग होगी उनके लिए क्या व्यवस्था होगा, वो कहाँ जाती होंगी। अगर इस तरह की व्यवस्था विद्यालय में हो जाए तो फिर किस दर तक जाएगा। सरकारी स्कूल जो लोग कहते हैं इसीलिए सरकारी स्कूल कहा जाता है। साथ इस विद्यालय के HM भी जुड़े हुए हैं, ये भी काफी विशुद्ध है इस विद्यालय की स्थिति देखकर, क्योंकि यहाँ पे पहले टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। और ये लोग हमारी माता समान है और गुरु भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है, और ये गुरु माँ हमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं इनको चंदन करूंगा, वंदन करूंगा, नमस्कार, मैं अपना परिचय देंगे हमारे चैनल पे। यहाँ की जो स्थिति है हर एक स्थिति को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न रखूंगा कि विद्यालय में शौचालय की स्थिति व्यवस्था नहीं है तो हमारी बहन बेटी चाहे हमारी गुरु माँ जो भी है वो कहाँ जाती होंगी। तब तक शादीवादी नहीं होगी, यहाँ शौचालय के बनता है कि वही देते हैं दो कार गंगा जी। सबसे पहले उसके बाद मतलब आप अच्छी आती होंगी पढ़ने, वो कहाँ जाती है। मैडम सबके लिए भी समस्या है बच्चे। मैं तो पहले ही बोला कि हमारी गुरु माँ कहाँ जाती है, सबके लिए समस्या है। तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग, किसी तरह अपना समय पास कर रहे हैं। कब से आप इस विद्यालय में हैं। तो ये समस्या कब से है। अभी कोरोना के छुट्टी लॉकडाउन में हुई थी, ये मतलब लॉकडाउन में ऐसा कर दिया गया है। तोड़ ताप सब इसी में ये कोरोना में सब तोड़ ताप किया गया था। उससे पहले किचन नहीं था, मतलब कोरोना के बाद यहाँ पे मिड डे भी नहीं चालू हुआ है। लड़की कैसे ये मध्य विद्यालय है और इसमें विद्यालय की संख्या बस 3 8 क्लास में 3 शिक्षक शिक्षिका कितने हैं। शिक्षक मतलब शिक्षक की मात्रा पर्याप्त है।
बस भवन के अभाव, जमीन अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है, बस यही कि राशि नहीं आ रहा है जिसके कारण ये चापाकल तो आप अपने फंड से भी पूरा कर सकते थे। नहीं, कोई फंड नहीं। इसके लिए क्या व्यवस्था है? हम मैडम से बार बार ये प्रयास कर रहे हैं, उनसे पहले चापाकल हो, बाथरूम हो, मैडम कह रहे नहीं, हम ब्लॉक में दे दिए। बार बार यही अभी 3-4 महीने से ये अपील हो रहा है, उसके बाद मैडम का ब्लॉक में पहुंचा दे, अभी तक लोग कोई सीविंग दे रहा है ना कुछ दे रहा है मैडम, उसके अलावा सर कुछ नहीं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाथरूम चापाकल बहुत गंदगी है, सबसे जरूरी चीज है बाथरूम और चापाकल की। हाँ, उसके बाद बच्चा के सीट भी बैठने के लिए नहीं है, पंखा भी नहीं है यहाँ पे, एक पंखा है एक उसको ठीक है। उसके अलावा हर चीज कितनो बोलने से मैडम का टाइम मिला नहीं, जाइए आगे बोलिए आप। अरे हम आगे कहाँ बोले, आप मेन हैं तो आपसे ना बोले तो मतलब दूसरे मैडम से क्या करें। सर जी सब है अपना टाइम से नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, आप इस स्कूल के अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य, क्योंकि वार्ड सदस्य स्वतः अध्यक्ष होते हैं, वो आपसे हैं और यहाँ के आप सच अध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अध्यक्ष हैं, अपना नाम अपना गरिमा कुछ करें और इस विद्यालय में चापाकल और शौचालय की व्यवस्था आप दुरुस्त करवाएं। देखिए सर, यहाँ पर बच्चे की कोई गलती नहीं रहेगी, अगर जाएगा अगर वो ताला बंद है तो उसके वो गुस्से में बच्चा लोग ताला तोड़ देता है। जब ताला बंद होगा तब तो टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि विद्यालय खुलते ही शौचालय खुलना चाहिए। सही बात। और अभी भी देख लीजिएगा कि टाइम हुआ है, टाइम से पहले दो बजे सारे टीचर अभी अपने अपने घर जाने, बच्चे की छुट्टी कर देते हैं। मेरा हम अध्यक्ष है, मेरा कोई वैल्यू नहीं करता यहाँ। नहीं नहीं, वैल्यू करने से नहीं, आप वैल्यू बनाइए, कैसे नहीं करेंगे वैल्यू। आप टाइम पे आइए, आप देखिए उनका रजिस्टर की टाइम पे आती है और मेरा नहीं है। हमें रजिस्टर देखने नहीं दिया जाता है, कहते क्या देखिएगा तो फिर हम पार उठ के एफआईआर कर देंगे। कौन बोलते हैं? यहाँ टीचर सारे सब बोलते हैं, एचएम से आपने बात किया, एचएम सीधे का भी आपका अधिकार नहीं है। तो यह विद्यालय के जो अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा कि विद्यालय समय पे नहीं खुलती है और समय पे शिक्षकगण नहीं आते हैं, और जब इन्होंने पूछा तो इनको कहा गया कि आप पूछने वाले होते कौन है, तो समाज के नाते और एक विद्यालय में क्या स्थिति चल रही नहीं चल रही है, हर एक गार्जियन का दायित्व बनता है कि आप सिर्फ ड्रेस और किताब की पैसा ढूंढने और मिनट ढूंढने ना जाए, बल्कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उस विद्यालय में जाकर शिक्षा खोजने जाए। मैं ये चाहूँगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करूँगा कि अगर इस तरह की विद्यालय में व्यवस्था होगी तो फिर विद्यालय में क्या पढ़ाई होगा, क्या शिक्षा दी जाएगी और क्या स्थिति रहेगा। ये है हमारी सुशासन बाबू की सरकार में विद्यालय की स्थिति। ये देख लीजिए, राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय पितौझा।